वफाकी बजट 2023-24 में कराची के जारी और नए मंसूबों के लिए अरबों रुपए के फंड्स मख्तस किए गए हैं। वफाकी बजट 2023-24 ग्रीन लाइन कराची के लिए 1 अरब 12 करोड़ रुपए, साइड इंडस्ट्रियल स्टेट की सड़कों की बहाली और तामीर के लिए 2.5 अरब रुपए, AEMC की अपग्रेडेशन मंसूबे के लिए 1 अरब 33 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वफाकी बजट में कराची के मुख्तलिफ अजला की तामीर और तरक्की के लिए भी फंड मख्तस किए गए हैं, जिसमें जिला गरबी कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 75 करोड़ रुपए, नाजमाबाद और लियाकताबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 75 करोड़ रुपए, लांडी जमान कोरंगी टाउन में सड़कों पानी निकासीयाब और प्लेग्राउंड के लिए 75 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वफाकी बजट 2023-24 में कराची में सड़कों गलियों निकासीयाब पानी के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए भी फंड मख्तस किए गए हैं। इसी तरह पार्क्स और खेल के मैदानों की तामीर और तरक्की के लिए भी फंड शामिल किए गए हैं। जिला वस्ती कराची में पार्क की तामीर के लिए 6 करोड़ 42 लाख रुपए, ग्राउंड की तामीर के लिए 13 करोड़ 37 लाख रुपए, पार्क एशियन फुटबॉल ग्राउंड की तामीर के लिए 9 करोड़ 94 लाख रुपए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तामीर के लिए 4 करोड़ 64 लाख रुपए, जिला वस्ती में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर के लिए 5 करोड़ 77 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं। ITO कंप्यूटर डिप्लोमा सेंटर की तामीर के लिए 8 करोड़ 25 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं। वफाकी बजट 2023-24 में जिला कोरंगी मलीर में सड़कों गलियों और नकासीयाब के मंसूबों के लिए 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जिला शिरकी कराची में वफाकी बजट के तहत मंसूबों के लिए 15 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं।